गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ सनशाइन एकेडमी, हाउ आर यू ऑल? वी होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ एट होम. स्टूडेंट ऑफ सनशाइन एकेडमी, टुडे आई विल टीच यू इंग्लिश पोयम अ हैप्पी चाइल्ड. सो लेट स्टार्ट द पोयम. माय हाउस इज रेड, अ लिटिल हाउस, अ हैप्पी चाइल्ड आई एम. आई लव एंड प्ले द होल डे लॉन्ग, आई हार्डली एवर क्राई. I have a tree, a green, green tree to shade me from the sun. And under it I often sit when all my play is done. स्टूडेंट ऑफ सनशाइन एकेडमी, ये थी आपकी पोयम अ हैप्पी चाइल्ड. अब हम इसका हिंदी में मीनिंग समझेंगे कि इसमें ये जो बच्ची है ये क्या बता रही है अपने बारे में. इस पोयम में ये जो बच्ची है ये बता रही है कि मेरे जो घर का रंग है ये लाल है. आप देखिए, इसकी घर की जो छत है ये लाल रंग की है. ये बच्ची बोल रही है कि मेरे घर का रंग है लाल और मेरा जो घर है वो छोटा सा प्यारा सा घर है. लिटिल मतलब क्या होता है? छोटा सा होता है. ये बच्ची बोल रही है कि मैं हमेशा खुश रहती हूँ, पूरे दिन भर हंसती खेलती रहती हूँ और बहुत ही कम रोती हूँ. आपने देखा होगा ना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ही रोते हैं, दिन भर गुस्सा करते रहते हैं, पर ये जो बच्ची है ये सबसे अलग है. ये हमेशा हंसती खेलती रहती है और बहुत ही कम रोती है. बच्ची बता रही है कि मेरे घर के पास पेड़ है और वो पेड़ कैसा है? हरा भरा पेड़ है, ग्रीन ग्रीन. आपने भी देखा होगा, आपके घर के पास भी पेड़ होंगे ना, ट्रीज होंगे. और हमारे जो घर के आसपास ट्रीज होते हैं वो कैसे होते हैं? हरे भरे होते हैं. तो ये बच्ची भी बोल रही है कि मेरे घर के पास जो पेड़ है वो हरा भरा है और जो पेड़ है वो उसे क्या देता है? छाया देता है, शेडो देता है. यानी कि वो पेड़ सूरज की रोशनी से उसे बचाता है. वो लड़की बता रही है कि जब मैं खेलकर थक जाती हूँ तब मैं इस पेड़ के नीचे ही बैठती हूँ. बच्चों, इस पोयम से हमें पता चलता है कि हमें छोटी छोटी बातों पर नाराज नहीं होना चाहिए. हमें फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, नेचर का ध्यान रखना चाहिए, तभी तो आप उसके साथ एंजॉय कर पाओगे और तभी आप इस लड़की की तरह हैप्पी चाइल्ड बन पाओगे. स्टूडेंट ऑफ सनशाइन एकेडमी, आई होप आपको ये पोयम अच्छी लगी होगी. इस पोयम को आप रीड कीजिएगा. फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ. Thank you so much.